हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपके टर्म वन एग्जाम के इस तैयारी को ही और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आज से हम लोग इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th के ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। जितना जल्दी हो सके इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है? तो चलिए, पहला चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सप्लाई ऑफ मनी से आप क्या समझते हो? पहला है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मतलब पब्लिक के हाथों में जो करेंसी यानी कि जो पैसा है वो। करेंसी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास जो करेंसी है क्या वो है सप्लाई ऑफ मनी? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है? जो भी बैंक्स हम लोग आसपास देखते हैं, नॉर्मल बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनमें हम लोग जो पैसा जमा करके रखते हैं यानी कि नॉट फिक्स डिपॉजिट, वो पैसा जो हमारे करंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट में होता है जिन्हें हम किसी भी वक्त वहां से डिमांड कर सकते हैं यानी कि वहां से फिर से अपने हाथों में ले सकते हैं, उन पैसों को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है? तो वो पैसा और उसके साथ साथ पब्लिक के हाथों में जो करेंसी है इन दोनों को मिला के सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। यह है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या है? करेंसी हेल्ड इन गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के जो पास जो अकाउंट है उसमें गवर्नमेंट का जो पैसा जमा हुआ है वो। तो इन चारों में से किसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी? नाम से ही समझ आ रहा है कि जिस मनी को सप्लाई किया जा रहा है मार्केट में यानी लोगों के हाथों में, राइट? तो लोगों के हाथों में कौन सा मनी है? ऑफ कोर्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लेकिन उसके साथ साथ वो मनी जिसको हम लोग किसी भी वक्त बैंक से उठा सकते हैं वो भी तो हाथों में ही है, बोल सकते हैं ना। कभी हम लोग को 5,000 रुपए का जरूरत पड़ गया, हम लोग जाके बैंक से एटीएम कार्ड से उठा के लेके आए, तो उसको भी हम लोग तभी के तभी खर्चा कर सकते हैं। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी? इकोनॉमी में ये जो मनी सप्लाई हो रहा है लोगों के हाथों में, इसका मेन सोर्स क्या है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक या फिर दोनों ही, या फिर गवर्नमेंट? क्या होगा आंसर? देखिए, सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई। तो ऑफकोर्स आरबीआई का तो रोल है ही, क्योंकि वही मनी प्रिंट कर रहा है, वही सबको दे रहा है, बैंक्स को भी दे रहे हैं, तो आरबीआई का रोल तो है ही। साथ में कमर्शियल बैंक, क्या इनका रोल है? कमर्शियल बैंक भी हम लोगों को, यानी कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन में, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में बताया ना कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये तो बैंक में ही रखा जा रहा है, तो यानी कि कमर्शियल बैंक का भी रोल है। ऑफकोर्स आरबीआई कमर्शियल बैंक के थ्रू ही लोगों तक पैसा पहुंचाता है, ठीक है? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ओके? उसके बाद देखिए, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? इंडिया में मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? इसके पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है इसका भी आंसर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशन। अब देखिए, इसमें पहला वाला में बोथ ए एंड बी था, कमर्शियल बैंक और आरबीआई, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। पहला वाला में था कि किसका रोल है, मेन सोर्स क्या है मनी सप्लाई का, और दूसरा वाला में है कि हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, किसके रेगुलेशन में चलता है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई रेगुलेट करता है, वही पीछे से सीआरआर, एसएलआर या फिर आपके जो रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, ये सब रेगुलेट करते हैं। इसके वजह से जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो भी रेगुलेट होता है। तो यानी कि आरबीआई का रोल है मनी सप्लाई रेगुलेट करने में। हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा, इसमें क्या पूछा है कि मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है? M1 है या फिर M2 है या फिर M3 है या फिर सभी है, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन है? तो आई थिंक आपको पता होगा M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। क्यों? अब देखिए, M1 में क्या रहता है, M1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें रहता है करेंसी जो पब्लिक के हाथों में है वो वाला करेंसी यानी लोगों के हाथ में जो पैसा है, और उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट जो आप लोगों ने पहला क्वेश्चन में किया, तो जिसको कभी भी बैंक से उठाया जा सकता है, तो वो मोस्ट लिक्विड हुआ ना। लिक्विड मतलब क्या? जो जिसको हम लोग कभी भी खर्चा कर सकते हैं, जिसके बदले में हम लोग कभी भी कुछ भी ले सकते हैं दुकान से खरीद के, राइट?
तो यानी कि ये जो दोनों टाइप का पैसा है ये मोस्ट लिक्विड है, यानी कि M1 हो जाएगा मोस्ट लिक्विड, ठीक है। M2, M3 और M4 क्या डिनोट करता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। M2 इक्वल्स टू क्या है, M3 इक्वल्स टू क्या है और M4 इक्वल्स टू क्या है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो अभी बुक में देखिए और देख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपको देखना है कौन सा फॉल्स है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिमांड डिपॉजिट आर नॉट लीगल टेंडर, करेंसी नोट्स इशूड आर नॉट लीगल टेंडर, टर्म डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर या फिर विट इज नॉट लीगल टेंडर, इनमें से कौन सा फॉल्स है, ठीक है। नॉट लिखा हुआ है हर में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लीगल टेंडर क्या है ये समझना जरूरी है। कोई भी वैसा उस टाइप का पैसा या फिर करेंसी आप बोल सकते हैं, कोई भी वो पैसा जिसके जरिए आप एक कंट्री में कोई भी टाइप का डेप्ट डेप्ट या फिर लोन को चुका सकते हैं किसी भी वक्त और कोई भी उसको मना ना कर सके, इसको बोला जाता है लीगल टेंडर, ठीक है। आई थिंक ये आपको पता होगा, बुक में पढ़े होंगे। डिमांड डिपॉजिट, करेंसी नोट्स, टर्म डिपॉजिट्स या फिर विट, ये तो होगा ही नहीं। विट, विट के जरिए कि आप कोई भी डेप्ट चुका सकते हो, किसी को भी विट दोगे वो आपका लोन के बदले, मतलब पैसा लिए थे आप उसके बदले विट दोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है अभी, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में ऐसा कौन सा चीज है जिसके जरिए आप सबसे ज्यादा इजीली अपने कोई भी लोन को चुका सकते हो, ऑफ कोर्स करेंसी नोट्स, राइट, आपका पैसा जो आपके पास है, पैसा अगर होगा तो आप कोई भी डेप्ट चुका सकते हो, कोई भी मना नहीं कर सकता उसको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन 5, अभी 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अभी ट्रू पूछा है, राइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला था, इसमें फॉल्स पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे बोला है करेंसी नोट्स इशूड आर नॉट लीगल टेंडर, यानी कि ये फॉल्स है, ठीक है। बाकी में तो ये सब तो लीगल टेंडर है ही नहीं, डिमांड डिपॉजिट भी लीगल टेंडर नहीं है, टर्म डिपॉजिट भी लीगल टेंडर नहीं है, विट भी लीगल टेंडर नहीं है, तो ये सब राइट है, ये सब स्टेटमेंट अपने आप में राइट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा है, ठीक है। ओके, इसके बाद ट्रू पूछा है ये वाला में, देखिए ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर बैंकिंग इंस्टीट्यूट, क्या सही है, क्या सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, आप सोचिए। बी, आरबीआई हैज द कंप्लीट अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स, क्या आरबीआई को कंप्लीट अथॉरिटी है कोई भी करेंसी नोट को इशू करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी नोट इशू करता है। और चौथा, बैंकिंग इंस्टीट्यूट इशू करेंसी नोट, तो इनमें से कौन सा सही है बताइए। ऑफ कोर्स ये वाला मैं थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, आरबीआई हैज अ कंप्लीट अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स, 2 से लेके 2000 तक कोई भी रुपीस का अगर नोट निकालना है तो उसके कंप्लीट अथॉरिटी आरबीआई के पास है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट पे कमेंट्स करिए कि 1 रुपए का नोट और कॉइन ये कौन इशू करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। उसके बाद ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, नॉट, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी देता है। बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, क्या पब्लिक को देते हैं बैंकिंग फैसिलिटी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। लेंडिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लेंडिंग करते हैं यानी कि गवर्नमेंट को लोन देते हैं क्या सेंट्रल बैंक। लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक, क्या कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पब्लिक को बोला है, हम लोग जाते हैं कि आरबीआई में, आप जाते हैं आरबीआई से पैसा उठाने, बोलिए कहाँ जाते हैं आप, बैंक में जाते हैं, राइट। तो आरबीआई में नहीं जाते हैं, आरबीआई बैंक को पैसा देता है, गवर्नमेंट को देता है और गवर्नमेंट को बैंकिंग फैसिलिटी देता है कि गवर्नमेंट को जब भी पैसा का जरूरत है आप यानी कि गवर्नमेंट का भी अकाउंट रहता है आरबीआई में, बैंक का भी अकाउंट रहता है आरबीआई में, करंट अकाउंट रहता है और जब भी लोन लगता है वो भी आरबीआई ही देता है, ठीक है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन द प्रेजेंट COVID-19 सिचुएशन मेनी इकोनॉमिस्ट हैव रेज देयर कंसर्न्स दैट COVID-19 का जो सिचुएशन अभी चल रहा है 1-2 साल से, उसमें मेनी इकोनॉमिस्ट
बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपने कंसर्न दिखाए। क्या कंसर्न? कि इंडियन इकोनॉमी मे हैव टू फेस अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री। सबसे पहली बात तो है, क्या डिफ्लेशनरी सिचुएशन देख सकता है इंडियन इकोनॉमी? किस वजह से? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रहा है, बहुत सारा मतलब लॉकडाउन के दौरान बहुत सारा कंपनीज वगैरह बंद हो गया था, सभी इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गया था, इसीलिए डिफ्लेशनरी सिचुएशन देखा जा सकता है इंडिया में। तो डिफ्लेशनरी का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का क्या मतलब है बताइए? इन्फ्लेशन मतलब है दाम का वृद्धि होना, दाम बढ़ जाना, और डिफ्लेशनरी मतलब चीजों का दाम घट जाना। ठीक है, इतना समझ आया? अभी देखिए, सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड इकोनॉमी कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व सॉरी सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा बनाया गया हाई पावर्ड कमिटी का आप मेंबर हो आप। ठीक है, यू हैव सजेस्टेड दैट एज ए सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक के सुपरवाइजर के रूप में डैश ऑफ द मनी सप्लाई बी एंश्योर्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, या फिर बोथ करना चाहिए, या फिर कोई भी नहीं करना चाहिए? किस लिए? ताकि ये जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है ये ठीक हो सके। तो सबसे पहली बात है, आपको क्या समझना पड़ेगा डिफ्लेशनरी सिचुएशन, यानी कि कोई भी चीजों का दाम जब बहुत ज्यादा घट जाता है देश में। देखिए, दाम कब घट जाता है चीजों का? जब बहुत ज्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है। राइट, डिमांड नहीं है कोई भी चीजों का। COVID-19 के द्वारा यही हुआ था ना, कि लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों को काम से बाहर निकाला जा रहा था, तो लॉकडाउन के दौरान, तो इसलिए लोग पैसा खर्चा नहीं कर रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, डिमांड नहीं है बिल्कुल भी। तो मार्केट में चीजें तो है लेकिन डिमांड नहीं है, तो दाम कम गया, और दाम कमने की वजह से डिफ्लेशनरी सिचुएशन हुआ। अब दाम क्यों कमा? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा नहीं है, जितना भी है वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में कब काम आ जाए किसी को पता नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा ज्यादा पैसा लोगों के हाथों में देना पड़ेगा। आपने देखा था गवर्नमेंट भी बहुत सारा लोन के फैसिलिटीज निकाले थे एमएसएमई वगैरह के लिए, बहुत कम इंटरेस्ट में, बहुत ज्यादा लो इंटरेस्ट में लोन दे रहे थे लोगों को। क्यों लोन दे रहे थे? ताकि कि लोगों के हाथों में पैसा आए। ज्यादा पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे, तो ये जो सप्लाई मतलब सप्लाई चीजें था ये सब बिकना स्टार्ट होगा और डिमांड हाई होगा, और साथ ही में ये जो डिफ्लेशन वाला सिचुएशन है ये भी ठीक होगा। यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है रिलीज होगा आंसर, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 रुपीज नोट इज इशूड बाई आरबीआई। देखिए 1 रुपीज नोट आया थोड़ा देर पहले, मैं आपको बताई थी कमेंट करने के लिए। राइट, तो उसके बाद देखिए, कॉइन्स आर इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आ गया। उसके बाद बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो बोलिए कौन सा करेक्ट है इनमें से, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहली बात है, 1 रुपीज नोट आरबीआई इशू नहीं करता है। ठीक है, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने आप गलत है, और बोथ स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं होगा क्योंकि ये सही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 1 रुपीज का नोट कौन इशू करता है? ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करता है, आपको बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा, जो पहले बहुत दिन पहले चलता था, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स को, किसी आपको सोच लीजिए गेहूं चाहिए चावल के बदले, आपके पास चावल है तो आप किसी को चावल दे रहे हैं, उनके पास गेहूं है वो आपको गेहूं दे रहे हैं, ऐसे इकोनॉमी चलता था पहले। ठीक है, तो ये इसमें क्या डिफेक्ट था जिसके वजह से हम लोगों को आज के दुनिया में करेंसी की जरूरत पड़ा? पहला ए, लैक ऑफ डबल क्वेंसिडियंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या है मैं बोलती हूँ, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोर वैल्यू, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट है? तो इसका आंसर पहले तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये तीनों ही प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम का। तो पहला क्या बोला है, डबल कोइंसिडेंस, इसका क्या मतलब है, ऑफ वांट्स। तो
जो भी चीज आप चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के पास हो जिसको आप अपना चीज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइस है, ठीक है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए व्हीट, ठीक है, आपके पास राइस है। अब आप किसी को राइस बेचने के लिए गए, उनको उनके पास व्हीट भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनको राइस चाहिए ही नहीं, तब उनके पास व्हीट है, वो बोले हम तो रोटी खा लेंगे भाई, हमको नहीं चाहिए चावल, हमको रोटी खाना है, हमको तो कुछ और चाहिए, हमको फॉर एग्जाम्पल नमक चाहिए, शुगर चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए रोटी के साथ खाने के लिए, तो हम लोग हम आपको व्हीट दे देंगे, लेकिन हमको चावल नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो ऐसे हो सकता है कि किसी को चावल चाहिए लेकिन उनके पास व्हीट ना हो, तो इसी को बोलता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का लैक ऑफ, ठीक है, इस चीज का हमेशा ऐसा होगा ही, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू मेजर करने में डिफिकल्टी होता था। फॉर एग्जाम्पल 1 kg चावल और 1 kg ऑफ चावल और 1 kg ऑफ व्हीट, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, जरूरी नहीं है। चावल को उगाने में ज्यादा उगाने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा पानी वानी लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें करना पड़ता है, लेकिन व्हीट कंपेरेटिवली आसानी से उगता है। इसका मतलब दोनों का वैल्यू में थोड़ा इधर उधर होगा, ये दोनों का 1 kg का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो ऐसे वैल्यू का मेजर करना दिक्कत होता था, जो आज के दुनिया में मनी की वजह से काफी ज्यादा इजी हो गया है। डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू को स्टोर करना डिफिकल्ट होता था। जैसे सोच लीजिए आप बाजार में गए, आप किसी को चावल दिए, बेचे, बदले में आप बनाना लेके आए, फॉर एग्जाम्पल। अब इस बनाना को आप कितना दिन स्टोर करोगे? आप अगर पैसा लेके आते तो आप पैसा को तो रख सकते हो, कितना दिन चाहे सेविंग्स कर लोगे, लेकिन ये बनाना या कोई भी ऐसा चीज जो प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, उन सबको स्टोर करने में दिक्कतें होगी। तो ये सब डिफिकल्टी है बार्टर सिस्टम के, जिसके वजह से ये धीरे धीरे चला गया और आज की दुनिया में करेंसी आ गया है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक के फंक्शन है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट यानी कि जो आप लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसको एक्सेप्ट करना। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को क्रिएट करना यानी कि लोगों के हाथ में पैसा देना या फिर अपना प्रॉफिट करना। एजेंसी फंक्शन या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी तो करता है बैंक, ये सभी चीज आप लोग देखते ही हो हर रोज की दुनिया में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 12, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड, यानी कि आरबीआई के पास किसी भी कमर्शियल बैंक को अपना टोटल पैसा का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, 3% बेसिकली रखना पड़ता है, ठीक है। अभी फिलहाल 3% चल रहा है, तो ये जो परसेंटेज रखना पड़ता है आरबीआई के पास एज कैश, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि CRR, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो देख रहे हैं SLR, ये क्या होता है? ये बैंक कहाँ जमा करता है? आरबीआई के पास जमा करता है, या अपने पास जमा करता है, या किसी और बैंक के पास जमा करता है, ये एक बताइए। और दूसरा बताइए कि क्या ये भी कैश फॉर्म में रखता है कि किसी और फॉर्म में भी रख सकता है? ये दोनों आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में अभी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट मतलब जो आप लोग सेव करते हैं हमेशा कोई भी अकाउंट में, एंड फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट यानी जिसको फिक्स किया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, उससे पहले अगर आप उसको तोड़ के ले लेंगे पैसा तो आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी कटेगा। उसके बाद सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तो करंट मतलब अभी जो चल रहा है, हमेशा जो चलते रहता है अकाउंट। उसके बाद करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, तो इनमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट बोलता है? सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी टाइम में जिसको डिमांड करने से आपको पैसा मिल जाएगा वहां से, उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, मनी इज व्हाट मनी डज, Who said it? तो ये जो quotation है, ये किसने कहा था, किन्होंने कहा था? Money is what money does. ये कहा था Hartley Withers ने, ठीक है? Question 15 देखिए, Which one is included in the primary function of money?
तो मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का एक माध्यम, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी। देखिए, सबसे पहले तो बात है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन नहीं बोला है, प्राइमरी फंक्शन बोला है, यानी कि प्राथमिक काज क्या है, प्राथमिक जो काम है वो क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले बार्टर सिस्टम था तो उसके जगह में मनी आया, तो वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, मीडियम तो एक्सचेंज करने के लिए ही मनी आया, पहली बात है। तो ये तो हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद देखिए, मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करना, क्या इसके लिए मनी आया था? जी बिल्कुल सही, वैल्यू को मेजर करने के लिए भी तो मनी आया था, क्योंकि प्रॉब्लम होता था बार्टर सिस्टम में वैल्यू समझना, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि डी। अब ये क्यों नहीं होगा? स्टोर ऑफ वैल्यू भी मनी का काम है, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद 16 देखिए, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, ये आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन 17 देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, ये तो आंसर करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ये हो जाएगा एटीएम का फुल फॉर्म। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज और आर, मॉनिटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो पैसा का जब सप्लाई ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। तो ये तो हो जाएगा सही। उसके बाद स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो पैसा का वैल्यू बढ़ना या कमना ये किस पे डिपेंड करता है? मॉनिटरी पॉलिसी से। अगर पैसा का वैल्यू ज्यादा डिटोरिएट कर जाए तो मॉनिटरी पॉलिसी उसको बैलेंस करता है, ज्यादा बढ़ भी जाए तो भी उसको बैलेंस करता है। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, ऑफकोर्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन दोनों में ही मॉनिटरी पॉलिसी ही काम आता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विच इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेथड में कौन सा नहीं आता है? बैंक रेट, ऑफकोर्स क्वांटिटेटिव मेथड है। मोडल स्वेशन, ये है क्या क्वांटिटेटिव मेथड? नहीं, ये क्वालिटेटिव मेथड है, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन तो क्वांटिटेटिव ही है, CRR का चेंज करना, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी क्वांटिटेटिव है। विथ विच नरसिंहम कमिटी इज रिलेटेड टू, तो नरसिंहम कमिटी जो आया था वो किस चीज के साथ रिलेटेड था? टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। ये था बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, लोअरिंग ऑफ CRR बाय द सेंट्रल बैंक हैज द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। ओके, जब CRR को कमाया जाता है, लोअरिंग, ठीक है, RBI के द्वारा, तब क्या इफेक्ट पड़ता है कमर्शियल बैंक के क्रेडिट कैपेसिटी के ऊपर? CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, मैं कुछ देर पहले ही आपको बताई कि कुछ परसेंटेज, समथिंग परसेंटेज बैंक को रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है उनके जो नेट कमाई होता है उसका। तो यानी कि अगर ये रिजर्व करने वाला बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट तो घटेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? लोअरिंग, यानी कि CRR अगर कमेगा तो बैंक को कम रिजर्व करना पड़ेगा, और जब कम रिजर्व करना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यानी कि उनके क्रेडिट कैपेसिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज इन द मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात किया जा रहा है, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक इज लाइकली टू, ये भी वैसा वाला है। तो सेंट्रल बैंक जब सिक्योरिटी बेचते हैं मार्केट में, तो बेच रहे हैं मतलब मार्केट से वो पैसा अब्सॉर्ब कर रहे हैं, मार्केट यानी कि बैंक को ही बेच रहे हैं, तो बैंक को जब सिक्योरिटी बेच रहे हैं, सोच लीजिए, तो वो लोग मार्केट से पैसा अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जब अब्सॉर्ब करेंगे तो बैंक के पास पैसा कम जाएगा ऑब्वियसली, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगा? फॉल करेगा, सिंपल बात है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ओके। तो अभी ये जो 23rd क्वेश्चन है और ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आइटम्स फ्रॉम कॉलम ए एंड दैट ऑफ कॉलम बी, इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट, और इधर क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों क्या करेक्टली मैच्ड है? अब देखिए, उसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट,
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या गवर्नमेंट का बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? देखिए मैच करता है कि नहीं करता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है? उसके बाद SLR और डेवलपमेंट बैंक, क्या ये दोनों मैच कर रहा है? देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है? 1A, इशू ऑफ करेंसी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है, RBI करता है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि RBI होगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, RBI हो गया, तो ये राइट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप कि ये चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा। लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आए तो आप प्लीज बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसी में सब कुछ गिवन है, ठीक है? और उसके बाद भी अगर दिक्कत आता है तो आप लोग ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगी वीडियो बना के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है? तो इसी के साथ आज खत्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, बाय।